खांसी एक ऐसी बीमारी है जो है तो कॉमन, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो उसके फेफड़ों में, उसके गले में, यहाँ तक कि खांसते खांसते उसके पेट में दर्द हो जाता है। खांसी को ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह, 1 वीक लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब मैं ऐसे पेशेंट से मिलता हूँ जो बोलते हैं कि 10 साल से 15 साल हो गए लेकिन उनकी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। लोग बड़े बड़े अस्पताल में जाकर चेकअप करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी उनकी खांसी ठीक नहीं होती। तो आज की मेरी इस वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आप अपनी खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कफ सिरप के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो सकती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। खांसी एक कॉमन बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा एडल्ट हो। खांसी की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका खाना पीना, मौसम में बदलाव, आपके आसपास के एरिया का पॉल्यूशन, आपके आसपास के एरिया की गंदगी, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको खांसी हो जाती है। एक बार जब खांसी हो जाती है तो आप लोग जानते हैं कि वो आपको कितनी तकलीफ देती है। खांसी से सबसे बड़ा इफेक्ट तो लंग्स यानी हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, उनके अंदर सूजन आ जाती है और खांसते खांसते दर्द भी होने लगता है, बलगम जमा होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इतना ही नहीं गले में खराश, बुखार, सिरदर्द, उल्टी आना, जी मिचलना, जकड़न, दर्द, इन्फेक्शन और नाक बहना जैसी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खांसी की वजह से कोई भी ढंग से सो भी नहीं पाता, कई बार तो खांसी करते करते उल्टियां तक हो जाती हैं, पूरे चेस्ट में दर्द होने लगता है, पूरे गले में दर्द बना हुआ रहता है, यहाँ तक कि पेट में भी दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब मुझे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब 5 साल हो गए मेरी खांसी नहीं जा रही, मुझे 10 साल हो गए मेरी खांसी में मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। तो ऐसे भी मिलते हैं जिनको 15-15, 20-20 सालों से खांसी की समस्या से लेकर जो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सभी तो जानते हैं कि अगर खांसी 1-2 दिन के लिए भी हो जाए तो उस वजह से कितनी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, चाहे आपके गले में दर्द हो, खांसते खांसते आपके चेस्ट में दर्द हो जाए, तो आप सोचिए उनका क्या हाल होता होगा जिनको 15-20 सालों से खांसी की समस्या लगातार बनी हुई है, वो लोग कितना परेशान होते होंगे। पेशेंट एक के बाद एक दवाई करते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में चेकअप करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरे करवाते हैं, विभिन्न तरीके की जांचें करवाते हैं, हाँ लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, खांसी से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। तो अगर आपको खांसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सिरप सजेस्ट कर रहा हूँ। इस सिरप का नाम है कफ्लेक्स, इसकी स्क्रीन में आपको फोटो भी देखने को मिल रही होगी। GMP सर्टिफाइड 62 साल पुरानी इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी HSL हैजलैब का कफ्लेक्स कफ सिरप की खास बात यह है कि आप चाहे छोटे बच्चे हैं या फिर एडल्ट, दोनों को ही कफ सिरप ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आपको खांसी कितनी भी पुरानी हो, चाहे सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या फिर एलर्जी वाली खांसी हो, तो ये आपकी हर तरह की खांसी में हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पुरानी खांसी हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें, अगर आपको खांसी 1-2 दिन से भी हो रही है तब भी आप इस प्रोडक्ट कफ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको कफ सिरप तो बता दिया कि कौन सा है, अब ये भी जान लेते हैं कि आप इस कफ्लेक्स कफ सिरप का कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर आप एडल्ट हो यानी बड़े हो तो आपको 1/4 कप पानी में 2 ढक्कन कफ सिरप डालने हैं। हाँ, ये ढक्कन आपको बॉटल के ऊपर लगा हुआ मिल जाता है, तो 2 ढक्कन फुल सिरप के भरकर आपको पानी में डालना है और इसे पीना है, और इसे आपको दिन में 3 टाइम्स यानी कि सुबह, दोपहर, शाम को लेना है। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि खाने से आधा घंटा पहले आपको इस सिरप को लेना है और सिरप लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। और अगर आप बच्चों को ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो 2 ढक्कन के बजाय इसकी क्वांटिटी आपको हाफ कर देनी है, यानी कि 1 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको बच्चों को भी नियमित रूप से दे सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपको लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कफ्लेक्स कफ सिरप आपकी हर तरह की खांसी में काम आता है, जैसे कई बार
सूखी खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से खांसते खांसते पेट में दर्द भी हो जाता है, तो ये तब भी काम करेगी। और अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है, यानी आपके शरीर में जब रेशा यानी कि बलगम बनता है जिसकी वजह से खांसी होती है, तो ये तब भी काम आएगा। इस कफ सिरप को आपको किसी भी खुशबूदार जगहों पर नहीं रखना है, और जहां पर कोई डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो ऐसी जगहों पर आपको इस होम्योपैथिक कफलेक्स सिरप को नहीं रखना है। आप इस सिरप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप इसका रेगुलर 15 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं और तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा आराम नहीं मिलता, आपके लक्षणों में कुछ कमी पेशी नहीं आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको अपने आसपास के एरिया में प्रोफेशनल क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाना है। उनके पास जाकर आपको अपनी खांसी के बारे में सारी विस्तार में डिटेल्स बतानी है। हाँ, एक बात का खास ध्यान आपको रखना है, आपको डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है। वो आपके बारे में अच्छी तरह से जानकर आपकी खांसी के सिम्टम्स को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग आपको काफी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, और डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने से आपकी खांसी की दिक्कत में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट कर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अब मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।